मैम आप किस बात पे यहाँ पे प्रोटेस्ट रैली निकाल रहे हो? पूरे इंडिया में जो अभी हिजाब का मसला पेश आया है कि हिजाब के ऊपर हाथ उठाया गया है, हम गवर्नमेंट से, हम तमाम हुकाम से ये कहना चाहते हैं कि इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, यानी इसमें हर इंसान को अपने मजहब के मुताबिक रहने का हक है। इसलिए क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग हिजाब से टक्कर खा रहे हैं? क्या हिजाब वायलेंस पैदा कर रहा है? हिजाब एक हेड कवर है जो हमारे ट्रेडिशन का, हमारे कल्चर का और हमारे रिलीजन का एक अहम हिस्सा है, और आप देख रहे हैं कि अभी हमारे इस हक को छीना जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आया है कि एवरी सिटीजन कैन प्रमोट दियर रिलीजन पीसफुली। तो मैं यहाँ पे सवाल करना चाहती हूँ कि जो भी इसके साथ टकरा रहे हैं कि जो उनकी अमनियत है वो कहाँ पे हर्ट हो रही है? जिन लोगों का ये नारा है कि हम फ्रीडम ऑफ चॉइस, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये सब कर रहे हैं, तो मेरा उनसे सवाल है कि क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा कि जिसमें कर्नाटका में उस लड़की के साथ वो उतने सारे मर्द उसे हराश कर रहे हैं और इतने सारे तजम्मु कर रहे हैं वहाँ पे और उसे धमका रहे हैं? वो कहाँ की वुमेन एम्पावरमेंट हुई? वो कहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस हुई? हम जो यहाँ गैदर एक साथ जमा हो गए हैं तो हमारा एक ही एम है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो हमारे हिजाब के अगेंस्ट ना जाए। हमारा हिजाब है, ये हमारी इज्जत है। इसी से हमें, जिस तरह एक हीरे के लिए एक संदूक में रहना ज़रूरी है, इसी तरह एक औरत को हिजाब में रहना ज़रूरी है। ये मेरा हक बनता है, I will cover myself. What is the problem? What is the problem with hijab? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? मेरे हुकूमत से मेरा यही सवाल है, क्या इंसानियत आपको यही सिखा रही है? क्या मजहब यही सिखा रहा है? हिंदुज़म क्या यही सिखा रहा है? बिल्कुल नहीं। कौन सा कानून, कौन सा मजहब ये हक देता है इंसान को कि वो आके दूसरे मजहब के लोगों को सताए, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें? कहाँ पे लिखा है, किस किताब में लिखा है?